अपने आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। फेक अकाउंट बनाकर युवती को किया बदनाम। नागपुर में एक तरफा प्यार में एक युवक ने गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के नाम पर सोशल साइट पर फेक अकाउंट बनाए, वहां उसे फोटो और नंबर डालकर बदनामी की। पुलिस ने 23 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मयंक राज और प्रीति शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता पूना में अमेजन कंपनी में काम करती थी, इसी दौरान उसकी पहचान मयंक राज से हुई। मयंक के प्रीति के साथ प्रेम संबंध थे। कुछ समय पहले मयंक और प्रीति के बीच विवाद होने लगे। मयंक आत्महत्या करने का विचार कर रहा था, इस बारे में उसने पीड़िता को बताया। पीड़िता ने प्रीति और मयंक के बीच सुलह करवाने का प्रयास किया, इसी दौरान मयंक ने पीड़िता को प्रपोज कर दिया और उसे शादी की मांग करने लगा। पीड़िता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इससे चिढ़कर मयंक ने फेसबुक पर पीड़िता के नाम पर मीनर राज और सिजलिंग प्रिया नाम से फर्जी अकाउंट खोल दिए। उसमें अश्लील बातें भी लिखी थी। पीड़िता को इस बारे में पता चला और उसने मयंक और प्रीति के खिलाफ गिट्टी खदान थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छेड़खानी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।